देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये मंशा व्यक्त की थी कि आज किसानों को रात में जो बिजली मिलती है, रात में खेती किसानी करना आसान नहीं होता, उनको दिन में बिजली मिलनी चाहिए। इसलिए हमने एक मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना तैयार की है, जिसके तहत एग्रीकल्चर फीडर को सोलर पर लाने का काम हम कर रहे हैं, जिसके कारण महावितरण के पैसे भी बचेंगे और किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। इसका एक पायलट प्रोजेक्ट हमने 2018-2019 में किया था, वो सक्सेसफुल हुआ था। अब उसको फास्ट ट्रैक करके अगले एक साल में 30% हम लोग जो हमारे एग्री फीडर है उसको सोलर पर कैसे लाए, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो लिफ्ट इरिगेशन हमारी स्कीम्स होती है उसको सोलर पर कैसे लाया जाए, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। साथ ही में जो ग्राम पंचायतें हैं जहां पर बिजली का बिल न भरने से या तो स्ट्रीट लाइट कटे है या पानी का कनेक्शन कटा है, उनकी जो पुरानी जितनी उनके पैसा बकाया है वो सारा का सारा बकाया सरकार की ओर से भरे और प्रोस्पेक्टिवली उनको मदद करके उनका बिल ठीक से भरा जाए, इस दृष्टि से योजना तैयार करने को भी आज हमने आदेशित किया है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने कई अलग अलग चीजों पर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी विभाग है उससे कई अलग अलग चीजों के ऊपर हम लोगों ने उसका मुआयना किया। देखिए, अब मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ये घोषणा की कि जहां पर इस प्रकार से बारिश ज्यादा हुई है वहां पर सर्वे तुरंत किया जाए, सर्वे का रिपोर्ट तुरंत दिया जाए, उनको जो भी आकस्मिक मदद देनी पड़ती है वो दी जाए। साथ साथ अगर कहीं दुर्दैव से मृत्यु हुई है तो उन लोगों को जो मुआवजा देना पड़ता है वो मुआवजा तुरंत दिया जाए। सर, एक लास्ट सवाल, जिस तरह से उन्होंने कल समर्थन दिया एनडीए के जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट को समर्थन दिया, किस लिए? मुझे इस बात की खुशी है। देखिए, एनडीए की जो हमारी उम्मीदवार है श्रीमती मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी, इनको देश भर से समर्थन मिल रहा है और नॉन एनडीए पार्टीज भी उनको समर्थन दे रही है। मूलतः हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी पार्टी के नहीं होते, भले ही उनको एनडीए ने स्पॉन्सर किया हो, लेकिन वो पूरे देश के होते हैं। और मेरा विश्वास है कि इतने अच्छे उम्मीदवार आज हमको मिले, अव्वल तो ये होना चाहिए था कि उनका चुनाव निर्विरोध होना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि सामने उम्मीदवार है, मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ कि सारे के सारे लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए द्रौपदी मुर्मू जी को ही मतदान करेंगे और वो निश्चित रूप से एक लैंडस्लाइड विक्ट्री उनको मिलेगी।